इलेक्शन 25 के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, अब बात उस सीट की जो विधानसभा सीटों के मुताबिक जयपुर का हिस्सा है और लोकसभा सीटों के मुताबिक दौसा लोकसभा सीट का हिस्सा है, यानी यहाँ की जनता केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार का फायदा एक साथ उठाती है। लेकिन क्या सच में फायदा हुआ है? आज बात चाकसू विधानसभा सीट की, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट। तो माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं चाकसू विधानसभा सीट। वैसे देखा जाए तो ये दौसा लोकसभा, जयपुर जिले में जिन 16 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है उनमें से एक सीट चाकसू भी है। यहाँ से बीते दो चुनाव में बीजेपी जीत रही है, वहीं सीट का सच ये है कि चाकसू 80 आरक्षित सीट है, दौसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले में आती है। वहीं सीट पर अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो फिर पता चलता है कि चाकसू में एससी मतदाताओं की संख्या 21.24% है, चाकसू में एसटी मतदाताओं की संख्या 16.31% है, एससी एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 37.50% के करीब है। यानी यही वजह है कि ये सीट आरक्षित है, लेकिन आरक्षित होने के बाद भी इस सीट पर बीजेपी का कमर काफी मजबूत नजर आया है। बीते चुनाव के परिणाम पर नजर डाले तो पता चलता है कि 2013 में चाकसू से बीजेपी के लक्ष्मी नारायण जीते थे, लक्ष्मी नारायण ने कांग्रेस के प्रकाश चंद को हराया था, कांग्रेस यहां बीजेपी से 12,358 वोटों से हारी थी। साल 2008 चुनाव में बीजेपी से प्रोमिला कुंडारा जीती थी, निर्दलीय उम्मीदवार अशोक तवर को हराया था। यानी सीट पर कांग्रेस 2008 में तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन क्या ये सीट बीजेपी की धारा के साथ बहती हुई विकास की भारत लिख चुकी है, ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी। लेकिन सच यही है कि इस सीट पर तीन दशक से नए चेहरों की दस्तक ना के बराबर रही, दोनों पार्टियों में युवाओं की नजर इस सीट पर टिकी है। बीजेपी युवाओं में इस सीट के लिए जोश तब और बढ़ गया जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने युवाओं को ज्यादा मौका देने की बात कही, तभी से दिल्ली दरबार की तरफ कांग्रेस और बीजेपी के युवा नेताओं की दौड़ लग रही है और इसके लिए दिल्ली दूर नहीं, लेकिन चाकसू के नजदीक कौन पहुँचेगा और जनता की पसंद से कौन विधानसभा पहुँचेगा ये 11 दिसंबर तय करेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में यकीनन ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। तो सियासी समीकरण आप समझ चुके हैं, लेकिन इस सीट पर माहौल क्या है, जनता क्या सोचती है, तो ये भी हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए इस सीट का माहौल क्या है। तो माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं चाकसू विधानसभा सीट। वैसे देखा जाए तो ये दौसा लोकसभा में ही आती है, लेकिन फिलहाल जो है ये जिला जयपुर में ही है, और इसीलिए ये समझना होगा कि इतना पास जयपुर होने के बावजूद इसमें कितना विकास हुआ है। पिछले दो बार की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की जीत होती रही है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिलहाल ये गढ़ बन गया है भाजपा का, लेकिन क्या कांग्रेस इस बार इस रथ को रोकेगी, कोई बदलाव यहाँ पर होगा, ये समझना होगा जनता के मूड को जानकर कि जनता फिलहाल यहाँ पर क्या चाहती है, क्या समस्याएं यहाँ पर दूर हो पाई है। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ और करते हैं विकास की पड़ताल। हाल तो फिलहाल अभी बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी का लग रहा है, बदलाव नहीं चाहते कोई? नहीं नहीं, बदलाव लोग चाहते भी है नहीं भी चाहते दोनों काम हो रहे हैं। हमारे क्या है कि जैसे गौरवपत है, ये बहुत दिनों से पड़ा है, इसमें बहुत दुर्घटना होती है, लेकिन जो हमारे लोकल एमएलए हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी 88-86 करोड़ की हमारी रोड बनी है, सरकार ने बनवाई, सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन एमएलए है जो लोकल वो ध्यान नहीं देता है। तो चाकसू में चुनावी माहौल को समझने के लिए जब यहाँ पर पहुंचे तो नगरपालिका के अंदर और बाहर भी नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। फिलहाल यहाँ पर लोगों से जानते हैं फिलहाल इनकी समस्या क्या है, क्यों ये नारेबाजी कर रहे हैं। हेलो मैडम, मेरा नाम भावना है, मैं सोना कम्पिटिशन की डायरेक्टर हूँ। ठीक है, कल ये आते हैं 2 बजे हमारे कोचिंग के अंदर ऑन स्पॉट आते हैं, ना तो ये पहले मेरे को कोई ऐसी कोई सूचना दी जाती है कि आप बोर्ड हटाओ या ऐसा कुछ भी करो, ऑन स्पॉट आते हैं। 200 लड़कियों का बैच हमारा चल रहा होता है केडी कॉलेज के अंदर, ऑन स्पॉट आ गए, पहले तो जो इनके जो कर्मचारी है वो ऑन स्पॉट क्लास में घुस जाते हैं, बदतमीजी का माहौल करते हैं, कुछ नहीं, विकास के नाम पे डब है। हमारे अब तक के बोर्ड में सर ये 5 साल इतने बेकार निकले हैं। मैडम यहाँ पर जो जयंत साहब है नगर पालिका में, उन्होंने मारामारी की है, सबके दुकानदारों के साथ बहुत मारपीट की है, कर्मचारी यहाँ पर है नगर पालिका में, ऐसे में उनका पक्ष भी जानना होगा कि इनके जो अधिकारी है वो गए कहे चली जानते हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा होता है, क्या क्यों परेशान है? अब ये तो और आपने ताला ही, आपके हाथ में ताला है, या आपने जब मैं यहाँ पर ये लोग आए हैं कि ताले लगे हुए हैं तब आपने ताला खोला है कैमरा देख के?
पहले क्यों ताला लगा था यहाँ पे? ताला ही, इतनी भीड़ है यहाँ पे, मैं बाहर भी जाता हूँ ना तो ताला ही लगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि भीड़ क्या, ये तो ऑफिस है ना? नहीं, ऑफिस में भी ताले लगे होते हैं, ड्यूटी टाइम चल रहे हैं ना अभी तो। इतनी सी दूर जाने पे यहाँ पे तो अभी क्यों खोला है फिर? बिल वगैरह लेने आए। अच्छा, अभी वापस ताला लगा के जाओगे? अच्छा, तो आप तो बोल रहे हो बिल लेने आए हो। हाँ, तो काम से आया हूँ मैं, था अपने काम से। वादा तो करते हैं लेकिन कुछ करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इस बार बैरवाजी ने कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया आपका तो। फिर चुनाव आ रहे हैं, उम्मीद लग रही है? 5 साल में कुछ भी नहीं किया। बदलाव, हम चाहते हैं जनप्रतिनिधि बदलाव हो, क्षेत्र विधायक यहाँ का चाकसू का लोकल आदमी हो, दुख सुख में यहाँ खड़ा रहे आदमी, यहाँ के जो विकास कार्य में जो है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। आश्वासन मिला है, आश्वासन मिलने के बाद इसको सैटेलाइट किया है, अस्पताल को क्रमोन्नत किया है, लेकिन क्रमोन्नत होने के बाद इसमें व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई।